यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और झज्जर के बहादुरगढ़ में वीरवार को सामान्य अस्पताल के स्टाफ नर्सों ने 2 घंटे का वर्क सस्पेंड कर सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग भी की है। ऐसा नहीं होने पर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। स्टाफ नर्स ने पिछले काफी लंबे समय से वेतन विसंगतियों को दूर करने, रिस्क अलाउंस बढ़ाने और ग्रेड पे में सुधार करने संबंधी कई मांगों को लेकर के वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया, ये चेतावनी भी सरकार को दी गई कि जल्द ही मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो ये जो आंदोलन होगा वो और ज्यादा उग्र होगा। सिर्फ बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें नहीं है, कल आपको बता दें कि पंचकुला में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई और हर जगह आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ ने, महिला कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप धनखड़, नर्सिंग स्टाफ की जो महिला कर्मचारी है उन्होंने सांकेतिक धरना दिया है 2 घंटे का, क्या सरकार के ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला है? विकृति, पिछले काफी लंबे समय से जो स्टाफ नर्स है वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करती आ रही थी और आज उन्होंने 2 घंटे का वर्क सस्पेंड किया है और भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी सरकार को दी है। उनका सीधे तौर पर उनकी मांग है और वे मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से ही अपनी डिमांड कर रही है लेकिन पूरी अब तक नहीं हुई, इसलिए उन्होंने आज भी वर्क सस्पेंड किया है। जो नर्स है उन्होंने वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग की है, जो ग्रेड पे है उसे इंक्रीज करने की मांग की है, साथ ही साथ केंद्र की तर्ज पर जो प्रमोशन पॉलिसी है उसे लागू करने की डिमांड भी स्टाफ नर्स कर रही है और सरकार से उनकी मांग है और जल्दी पूरी करने की उन्होंने मांग की जी। हालांकि 2 घंटे का ये सांकेतिक धरना रहा है तो क्या कुछ असर पड़ा है यहाँ पर काम पर? जी बिल्कुल, काफी असर देखने को यहाँ पर मिला है। जो मरीज है उन्हें समय पर जो है ट्रीट नहीं किया गया, 2 घंटे तक सभी जो स्टाफ नर्स है उन्होंने काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन किया है और किसी भी मरीज को यहाँ पर उन्होंने देखा नहीं, किसी भी देखभाल नहीं की, तो 2 घंटे तक जो स्वास्थ्य सेवाएं वो बाधित रही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप धनखड़ तमाम जानकारी के लिए। तो वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग की गई है नर्सिंग स्टाफ की ओर से, 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया, सरकार को चेतावनी कि जल्द ही मांगों की ओर ध्यान दिया जाए।